नमस्कार। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना होगा, ये लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। एक वीडियो क्लिप है ये, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें मौजूदा प्रधान सेवक, जब वो प्रधान सेवक नहीं थे, नरेंद्र मोदी, वो बोल रहे हैं ये कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, ये लव लेटर भेजने से काम नहीं चलेगा। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। जब से प्रधान सेवक बने हैं, तीसरा किस्सा हुआ है कि हमारे दो सैनिकों के शवों को, लाश को क्षत विक्षत म्यूटिलेट करके पाकिस्तानी ने फेंक दिया, छोड़ दिया। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक का हुक्म दिया गया था। सितंबर 2016 में ऐसा हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का हुक्म दिया गया था, जिसको लेकर प्रधान सेवक ने सीना ठोक ठोक के सारे देश में प्रचार किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को दिखा दिया है, पाकिस्तान को मालूम है कि भारतीय फ़ौज क्या कर सकती है। जबकि हकीकत यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले से ही होती आ रही है। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह भी ये मान चुके हैं इस बात को। देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक मतलब आप हाँ। बोल रहे हैं ऐसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑर्डर्स हैं ब्रिगेड कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स के पास में यूनिट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है। और इस करके मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी लोग हमारे मारे भी गए, तो उनका आदर करने के लिए निहायत ज़रूरी है ये समझना कि ये कार्रवाई पहले होती रही है। उसके अंदर जवान मारे गए हैं, उसके अंदर मुझे याद है एक अफसर जिसने किसकी टांग उड़ गई थी पाकिस्तान की एक माइन के अंदर, जब ऑपरेशन करने गया था, मुझे पता है 19 ग्रेनेडियर्स मुझे याद है, उन्होंने पोस्ट को बस्ट किया था, ये शायद 1999 या 2000 की बात है, ये पलना वाला सेक्टर के अंदर। तो ऐसे कई ऑपरेशन होते रहे हैं पहले, लेकिन पहले जो ऑपरेशन होते रहे हैं, क्योंकि सीज फायर के ऊपर आर्मी कार्रवाई कर सकती है, हम करते हैं, मर्जी से करते आए हैं, कि ये सिर्फ मेरी कमांड में नहीं हुआ, आप जितने चीफ से उनको पूछ लें आप, ये ऑपरेशन चलते रहे। तो मैं आपको इतना बता दूं, भारतीय सेना जब कार्रवाई करती है तो वो एक बड़ी निम्रता, एक ह्यूमिलिटी के साथ करती है। हाँ, एक सिपाही चाहता है कि उसने जो किया है वो सिर्फ अपनी इज्जत, अपना नाम के लिए करता है, देश के लिए करता है, तिरंगे के लिए करता है। जिस सर्जिकल स्ट्राइक का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 35 पाकिस्तानी मार दिए गए थे, किसी ने 50 कहा था, वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, अभी तक उसको कोवर्ट रखा गया है, उसको छुपा के रखा गया है, ताकि उसका असर सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो और वहाँ जो अशांति है, टेम्परेचर, पारा हाई होता है, वो नीचे आ जाए, और बिना इसको सर्जिकल स्ट्राइक को वोट बटोरने की मशीन बनाए, पाकिस्तान को भी समझ में आए कि कम करिए, बंद करिए सब। लेकिन इकलौती पार्टी है प्रधान सेवक की पार्टी, जिसने फौज का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया है वोट लेने के लिए, फौजियों की शहादत का इस्तेमाल किया है वोट लेने के लिए। बड़ी अजीब गरीब बात है, जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग जिसे हम मानते हैं, पाकिस्तान के साथ कभी खुशी कभी गम का रिश्ता रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। कश्मीरियों को भी मालूम है कि उन्हें थाली में रखकर नहीं आज़ादी दी जाएगी, उन्हें ये भी मालूम है कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं है, और उन्हें ये भी मालूम क्या है, वो तो महसूस करते हैं कि भारत से उनको नफरत है, बहुत सारे कश्मीरियों को। अब जिस तरह के तरीके इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं पाकिस्तान से निपटने के, अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की पूरी पूरी इच्छा है, ख्वाहिश है और कोशिश है कि कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और देशों को शामिल किया जाए उसमें। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, अब टर्की के राष्ट्रपति ने भी कहा है हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हम इसे अपना अंदरूनी मामला मानते आए हैं। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। अब ऐसे में जिस प्रकार की विजडम चाहिए, हाँ, जिस प्रकार की स्टेट्समैनशिप चाहिए सरकारों द्वारा, क्या वो हमारे पास है? कभी उरी में हमला हो जाता है, कभी पठानकोट में हमला हो जाता है, और सिर्फ भाषणबाजी के हमारे नेता और कुछ नहीं कर रहे।
शिवशंकर मेनन हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे, उनका यही कहना था कि कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स को जाहिर नहीं किया हम लोगों ने, करना भी नहीं चाहिए, और ये हमेशा ढकी छुपी एक्टिविटी होती है, ये एक तरह का संवाद होता है पाकिस्तानियों के साथ, तुमने ये किया हम ये कर रहे हैं, ताकि उनको मालूम चल जाए। लेकिन हमारे यहाँ इसे भी बढ़ा चढ़ाकर अपनी श्रेय मतलब अपनी हासिल करने का एक जरिया माना जाता है, अपनी जीत हासिल करने का जरिया माना जाता है। जैसे 104 अगर सैटेलाइट छोड़े गए तो उसका श्रेय भी खुद ले लो, स्टेंट अगर सस्ते हुए उसका श्रेय भी खुद ले लो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो होती आई है उसका श्रेय भी खुद ले लो। हमें किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंजूर नहीं है। अगर मध्यस्थता होनी है, अगर होनी है तो फिर आतंकवाद के मुद्दे पर हो। इंडस ट्रीटी जो है हमारी 1956 में हमने सिंधु नदी का जो पानी था उसको बांटने की जो ट्रीटी साइन करी थी उस पर हो, उसके कुछ प्रोविजंस पर चर्चा ज़रूरी है। आज के दिन हालात बदल चुके हैं। उसके अलावा चाइना कॉरिडोर जो बन रहा है पूरा का, एक तरफ काराकोरम से लेकर नीचे गवादर तक, उस पर चर्चा हो, मध्यस्थता हो तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, और साथ ही में जो हमारी समुद्री सीमाओं को लेकर समस्या है उस पर चर्चा हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होनी है तो। कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है और ये प्रधान सेवक और सरकारें इस बात को मानकर चलें कि चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हों, हमें एक तो फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है उसका हाल भी कोई, उसकी सेहत भी बहुत ठीक नहीं है, हमें एक फुल टाइम वित्त मंत्री भी चाहिए। अब जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बेरोजगारी की बात है, हमें एक फुल टाइम कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी चाहिए। इस वक्त एक ही व्यक्ति के पास ये तीनों मंत्रालय हैं। क्या भारत में टैलेंट की कमी है, प्रतिभा की कमी है, या सब कुछ सारी ताकत खुद सेंट्रलाइज करके रखने का शौक है? बहरहाल ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है हमारे बॉर्डर पर, इसमें शहीद परमजीत के भाई, एक तो नायब सूबेदार शहीद परमजीत सिंह जिनके बॉडी के साथ, जिनके जिस्म के साथ छेड़खानी की गई, 22 सिख रेजिमेंट के हैं, उनके बड़े भाई रंजीत सिंह ने कहा, वो बड़े से बड़ा नेता सुरक्षा विशेषज्ञ भी नहीं कह सकता। रंजीत सिंह का कहना है कि जब फौज में 1 सेंटीमीटर कद कम हो तो उसकी भर्ती नहीं होती, तो मैं अपने भाई का शव बिना सिर के कैसे ले लूं? हर सांसद और मंत्री के बेटे को फौज में भर्ती अनिवार्य कर दो, जरूरी कर दो, कभी पाकिस्तान से गोली नहीं चलेगी, तोहफे आएंगे। हर सांसद और हर मंत्री और हर बड़े नेता के बेटे को फौज में भर्ती होना अनिवार्य कर दो। आप पाएंगे कि किसी के भी बच्चे फौज में नहीं है हमारे नेताओं के। तीसरे, आर पार की लड़ाई करने वाले धोती पहनकर एसी में बैठते हैं, वो क्या जाने सेना का काम क्या होता है, फौज का काम क्या होता है? अभी तो पाकिस्तान आर ही कर रहा है। संसद हो, उरी हो, पठानकोट हो, सैनिकों की गर्दन काटना हो, सभी उसने आर आकर किया है। पार जाकर हमने क्या किया है? एक किया सर्जिकल स्ट्राइक, उसका भी ढिंढोरा पीटा। फिर रंजीत सिंह आगे कहते हैं, मैं अपील करता हूं साथियों से कि पाकिस्तान सरकार पर दबाव के लिए ये कदम उठाए जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसका मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा समाप्त हो, संसद में एक मत होकर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर सभी मित्र देशों के पास सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर इसका दबाव बनाया जाए, भारत सरकार तथ्यों के साथ एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाए, उसका दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हो और सभी देशों के दूतावासों में इसका प्रदर्शन हो। पाकिस्तान को हर दिन 300 ट्रक जाते हैं जो हमारा व्यापार चलता है पाकिस्तान से, वो बंद हो, बिड़ला, अडानी, जिंदल के पाकिस्तान में चल रहे सभी प्रोजेक्ट बंद हो। ये कहना है रंजीत सिंह का, एक बड़े भाई का, जिसके छोटे भाई को बहुत ही बेरहमी से, निर्ममता से एकदम उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हमें उम्मीद है कि अब एक बार फिर कोई भाषण सुनने को नहीं मिलेगा, कोई नया नारा सुनने को नहीं मिलेगा, फिर ध्यान बटाने के लिए कोई नई बात नहीं छेड़ी जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक पूरा कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। करना है चुपचाप करिए और फिर बताइए हमें। 2011 में भारत में एक नया गांधी आया था, अन्ना हजारे। वो गांधी अब कहीं छुप गया है, बीच बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देता है, और 2011 में ही अरविंद केजरीवाल और उस गांधी अन्ना हजारे ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने की कोशिश की थी, जिसे जनता ने पूरा सहयोग दिया। लोगों का कहना है कि इसके पीछे आरएसएस थी।
2012 में आम आदमी पार्टी बनी, अब 2017 है, अभी 5 साल ही नहीं हुए और आम आदमी पार्टी का ये हाल हो गया है जैसे गुब्बारे में से धीरे धीरे गैस निकल रही हो। क्या कारण है कि लोग मसीहा बनकर आते हैं और फिर फटीचर साबित होते हैं? फकीर, हमारे यहाँ फकीरों की बहुत इज्जत है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ इकलौता एक फकीर हुआ है, महात्मा गांधी, जिनके बारे में भी सरोजनी नायडू ने कहा था कि गांधी को गरीब रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को हर महीने हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। तो गांधी के बारे में कहा गया था हाफ नेकेड फकीर। उसके बाद एक और फकीर आए, विनोबा भावे, वो चले नहीं गांधी के बाद। उसके बाद वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपको याद है एक प्रधानमंत्री ये भी हुए थे वीपी सिंह, इन्हें ईमानदारी का मसीहा माना गया था उस वक्त और नारा आया था सामने, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह के बाद मौजूदा प्रधान सेवक भी बोल चुके हैं कि मैं तो अरे हम तो फकीर हैं, कहीं भी झोला उठा के चल देंगे। और फिर जो दूसरे गांधी आए थे 2011 में, उनका भी कहना था मैं तो फकीर आदमी हूँ, वो फकीर नहीं बोलते थे, मैं तो फकीर आदमी हूँ। तो वो फकीर और इधर एक लंबी बुशर्ट और ऊंची पैंट और आम आदमी जैसा पूरा मेकअप करके अरविंद केजरीवाल आए नए मसीहा बनकर, और देखिए आज क्या हाल हो गया है। जब शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की तो कैसे कैसे लोग साथ में जुड़े थे, जस्टिस संतोष हेगड़े थे, उसके अलावा प्रशांत भूषण थे, उसके अलावा योगेंद्र यादव थे, राजेंद्र सिंह पानी वाले थे, ये अपना रामदेव भी आए थे कुछ अर्सा के लिए, और श्री श्री भी आए थे, ये जो श्री श्री जिन्होंने खुद अपने आप को दो श्री दे रखे हैं, रविशंकर प्राणायाम टीचर, हाँ ये भी साथ में शामिल हुए थे। उसके अलावा और भी बहुत से लोग इनके साथ आए थे, मिलजुल के एक पूरा आंदोलन सा खड़ा हो गया था, अन्ना हजारे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद फूट पड़नी शुरू हुई, एक एक करके सबको बाहर किया गया। किरण बेदी बाहर हैं, अग्निवेश बाहर, राजेंद्र सिंह तो खुद ही बाहर हो गए, जस्टिस संतोष हेगड़े ने भी फासला कर लिया, और योगेंद्र यादव को भी बाहर कर दिया गया, प्रशांत भूषण को भी बाहर कर दिया गया, शाज़िया आलमी ने मौका देखकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, एक बस निरंकुश नेता एक अरविंद केजरीवाल रह गए। और अब जो भी अरविंद केजरीवाल को सवाल उठाएगा उसे पार्टी में रहने की जगह नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा चलन हो गया, कुछ ऐसी रिवायत बन गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी उनकी सरकार नहीं चलने देती। अब नहीं चलने देती ये भी हकीकत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें रोकी गई, लेकिन ये भी हकीकत है कि MCD उनके पास नहीं थी, आ सकती थी नहीं आई, हार गए बुरी तरह से, दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, वो गृह मंत्रालय के पास है, ये सब हकीकत है। लेकिन उनसे पहले 15 साल शीला दीक्षित रही हैं मुख्यमंत्री, 15 साल में बीजेपी की सरकार भी थी, NDA की सरकार, ये तो किस तरह से तारतम्य बनाकर तालमेल बनाकर चलना है इसके लिए विजडम की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। अरविंद केजरीवाल ने एक नया मुहावरा दिया भारतीय राजनीति को, नेम एंड शेम, जिस तरह की ज़ुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो ज़ुबान सिर्फ ये जो ट्रोल है ना, भक्त लोग जो हैं, भक्त लोगों के मुकाबले की ज़ुबान थी वो भी, लोगों के नाम ले लेकर और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। बहरहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी हुई है, कुमार विश्वास बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं, हमारी किस्मत ख़राब है इस देश के लोगों की कि जो मसीहा खड़ा होता है थोड़ी ही देर में फटीचर साबित होता है। आम आदमी पार्टी बाकी लोगों से अलग नहीं।